नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान तारक शेख। आज हम बात करते हैं हिंदुस्तान फौज की। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये सरहदी ज़िला पुंछ की हैं, जहां इंडियन आर्मी बर्फबारी में भी देश की सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर में ड्यूटी करते हुए देख। अगर देखा जाए हम लोग जो अपने घरों में सुरक्षा हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान आर्मी की वजह से। आप बाखूबी जानते हैं कि इंडियन आर्मी 24 घंटे बॉर्डर पे अपनी जान हथेली पर रखकर हम लोगों की हिफाजत के लिए तैनात रहते हैं। अगर देखा जाए हिंदुस्तान आर्मी बॉर्डरों पर अपनी जान हथेली पर रखकर हम लोगों की हिफाजत करने के लिए, देश की हिफाजत करने के लिए तैनात रहते हैं। चाहे आप बाखूबी जानते हैं कि चाहे ईद हो, दिवाली हो या और कोई त्यौहार हो, लेकिन हिंदुस्तान आर्मी कभी अपने घरों में नहीं रहती, वो हमेशा बॉर्डरों पर तैनात रहती है। जिस तरह हिंदुस्तान आर्मी हम लोगों की हिफाजत के लिए बॉर्डरों पर तैनात है, हम लोगों की सुरक्षा जिस तरह हिंदुस्तान आर्मी करती है, हम लोगों को भी चाहिए कि हम भी हिंदुस्तान आर्मी का साथ दें, ताकि जिस तरह से वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हम भी उनके साथ मिलकर अपनी हिफाजत खुद भी करें और अपने देश की हिफाजत उनके साथ मिलकर करें। ये जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं ये सरहदी ज़िला पुंछ की है, जहां पर इस बर्फबारी में भी हिंदुस्तान आर्मी पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या जिस तरह हिंदुस्तान आर्मी हम लोगों की हिफाजत के लिए, देश की हिफाजत के लिए बॉर्डरों पर तैनात है, क्या हम लोगों को नहीं चाहिए, क्या हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम हिंदुस्तान आर्मी का साथ दें और हम भी अपने देश की सुरक्षा करें। ज़रूरी नहीं कि हम यूनिफॉर्म पहन के ही देश की सुरक्षा कर सकते हैं, यूनिफॉर्म पहनने के बिना भी देश की सुरक्षा हो सकती है। हम लोगों को मिलकर अपने देश की हिफाजत करनी चाहिए। खजा जर्नलिस्ट एमएसएन नाज़की ने जब ये वीडियो कवर किया, वीडियो कवर करने के दौरान वहाँ पर कुछ जवानों से उनकी बातचीत हुई। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस खास रिपोर्ट में। जहाँ देख रहे हैं आपकी मौसम ऐसा है, बर्फबारी पड़ रही है, तो जहाँ दुश्मन की चुनौती के साथ मौसम की चुनौतियाँ का सामना करना पड़ रहा है, तो अभी मैं देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम सीमा पे बॉर्डर पे 24 घंटे तैनात हैं। तो मैं उनसे देशवासियों बताना चाहता हूँ कि वो अपना हर त्यौहार खुशी से अपने घर में मनाएँ, और हम यहाँ पर 24 घंटे तैनात हैं। दुश्मन की हर हरकत पे हमारी 24 घंटे नज़र है, और उनकी कोई भी गलत हरकत पर हम उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पुंछ पे LOC पुंछ पे तैनात हो, और इतनी बर्फबारी हो चुकी है और फिर भी सामने दुश्मन की पोस्ट हैं, और किस किस्म की चुनौतियां और किस किस्म की आपकी तैयारी है? सब चुनौतियां तो हैं, आप देख ही रहे हो जैसे चारों तरफ बर्फ़ की चादर ढकी हुई है, साथ में धुंध भी है, लेकिन देश की रक्षा के लिए हमको 24 घंटे इसी तरीके से तैनात रहना पड़ता है। और हम एक दिन क्या, साल के 365 दिन ऐसे